हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आज इम्पोर्टेंट अपडेट आया है उन सब के लिए जिन्होंने JKSSB क्लास 4th का एग्ज़ाम दिया है। सो वीडियो वीडियो के साथ आप बने रहिए, हम पूरा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या है, डिटेल में देखेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। साथ में अगर आप चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ये आप सब तक जो है पहुंच जाए। जिन्होंने भी क्लास 4 का एग्ज़ाम दिया है उन सब तक ये जो है अपडेट पहुंच जाए। सो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सब्जेक्ट सीकिंग ऑफ प्रेफरेंस फॉर वेरियस डिस्ट्रिक्ट डिविजनल कैडर यूटी कैडर पोस्ट ऑफ क्लास 4 एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2020, ठीक है? ये क्लास 4th के रिगार्डिंग है। सो वीडियो के साथ बने रहिए, इसको देखेंगे। JSSB ने 8575 डिस्ट्रिक्ट डिवीजन यूटी कैडर पोस्ट निकाली थी, जो है क्लास 4th की जो एडवर्टीजमेंट नंबर 1 था। 20 डेटेड 26/6/2020 का है ये, ठीक है? ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको पहले का बताया है, पहले के रूल्स जो इसमें दिए हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो पैराग्राफ है ये आपको बहुत जो है ध्यान से पढ़ना है। सो नाउ देयरफॉर इन व्यू ऑफ अबो ऑल सच कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट फॉर क्लास 4 पोस्ट held in 3 batches 27 28 February 2021 and 1st March 2021। so आपको पता है 27 28 और 1st मार्च को ये तीन सेशंस में एग्जाम जो है प्रोसेस एग्जामिनेशन प्रोसेस OMR बेस्ड जो है कंप्लीट हुआ था। सो इन कैंडिडेट्स को आर हेयर बाय कॉल्ड अपॉन टू इंडिकेट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है, इंडिकेट देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर अलॉटमेंट अगेनस्ट डिस्ट्रिक्ट डिविजनल एंड यूटी कैडर वैकेंसीज थ्रू लिंक प्रोवाइडेड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बोर्ड JKSSB.NIC.IN। ये आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको ऑफिशियल साइट पे जाना है। सबसे पहले आपको डेट देखना है कब तक है, ये 26/3/2021 से लेके 1 तारीख तक, 1 अप्रैल तक आपको अवेलेबल रहेगा। उसके बाद जो है लिंक वहाँ से हट जाएगा। सो आपको इन्हीं 3 दिनों में, इन्हीं 4 दिनों में ये काम करना है और ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको करना ही करना है क्योंकि इसी बेसिस पे आपको जो है मार्किंग, जो आपकी रिजर्वेशंस हैं, जो आपकी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलने वाले हैं वो इसी बेसिस पे आपको मिलेंगे। सो आपको कहाँ पे आपको प्रेफरेंस करना है, जो भी आपको है डिस्ट्रिक्ट वाइज, मोस्टली सारे आप डिस्ट्रिक्ट वाइज ही प्रेफर करोगे, जहाँ पे आप रह रहे हो उसी डिस्ट्रिक्ट का प्रेफर करोगे। सो आप इसीलिए ये जो है अपडेट आप सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। करना क्या है, आपको ऑफिशियल साइट पे जाना है, JKSSB.NIC.IN की ऑफिशियल साइट पे। आज से ही दैट इज 26/3 ये फॉर्म का लिंक अवेलेबल आज से ही हो जाएगा और ये 4 तक आपको अवेलेबल रहेगा। वहाँ आपको एक एप्लीकेशन जो है खुल जाएगा, उस पर आपको जो अपना डिटेल सबमिट करनी है, उसके बाद वहाँ पे जो है आपको प्रेफरेंस का सेक्शन आएगा और आपको अपना प्रेफरेंस देना होगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, जो भी आपका डिवीजन होगा, जो भी, फिर आपको यूटी वाइज तो यूटी तो आएगा ही, और पहले आपको डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन का प्रेफरेंस देना होगा, ठीक है? सो मैं ये सजेस्ट करूँगा आप पहले तो इस नोटिफिकेशन को जो है ये वाला पैराग्राफ ध्यान से पढ़ें, ठीक है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि अगर आपको प्रेफरेंस में थोड़ा सा उधर इधर हो गया, उसी बेसिस पे आपको सिलेक्शन होगी, उसी बेसिस पे किया जाएगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट का आपको दिया जाएगा। ये सब आपको अपनी ही प्रेफरेंस, जैसा आप प्रेफरेंस दोगे वैसे ही आपको दिया जाएगा। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है जब आप फॉर्म ओपन करेंगे, अगर आपको वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा डिवीजन देना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट देना है, कैसे देना है, प्रेफरेंस 1 2 करके हैं, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
सो आप अपने जो भी आपको जानने वाला होगा पास में उससे पूछ लीजिए। आपको अगर नहीं कोई है तो ज़रूर आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे ज़रूर बताएंगे। सो ये था इम्पोर्टेंट अपडेट, ये अवेलेबल है, ये जो नोटिफिकेशन है इम्पोर्टेंट नोटिस है, ये अवेलेबल है ऑफिशियल साइट पे, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप दैट इज़ स्टडी सोशल साइंस वहाँ पे भी अवेलेबल है, आप इसको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट अपडेट। अगर रिजल्ट की बात की जाए तो इसकी वजह से अब आपका जो है पहले शायद मेरिट लिस्ट आएगा, वो भी जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सो रिजल्ट आने में अब थोड़ा डिले हो जाएगा, जो पहले जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नहीं आई थी बल्कि ऐसे ही वो आया था कुछ सोर्सेस से कि रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, इसी महीने आएगा, तो इसकी वजह से अब रिजल्ट ज़रूर डिले होगा। सो आपको अब रिजल्ट का वेट करना होगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर ले चैनल को ताकि आपको आने वाले वीडियोस, आने वाले नोटिफिकेशन और जो भी इम्पोर्टेंट जॉब रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहें टाइम पे। सो डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून।